तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से काफ़ी अच्छा लुक करेगी। साथ ही अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पर आप माउंट करें तो आप दोस्तों इस रबड़ की हेल्प से इसको लगा सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको लगा पाएंगे। मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, एज यू कैन सी यहाँ पर इसने स्टॉप करना स्टार्ट कर दिया है। आप और कलर ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको तीन मोड्स मिलेंगे, जैसे व्हाइट के अंदर आपको तीन मोड मिलते हैं, आपने देखा उसके बाद कैसे यहाँ पर चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पर रेड कलर की लाइट ऑन हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक नाइट शूट भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देख पाएं दोस्तों लाइट काफी ब्राइट और काफी शार्प है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हे पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एयरक्राफ्ट लाइट की। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लाइट होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट के मैं इसको बाहर निकालता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ बेसिक आपको दोस्तों पैकेजिंग के साथ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो जो एसेसरीज मिलने वाली है वो मैं सब बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ही मिलने वाली है एयरक्राफ्ट लाइट, जो कि कुछ इस तरीके की होने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पर क्लोजअप के अंदर देख सकते हैं कि कैसा लुक करने वाली है। यहाँ पर पीछे से मैं इसका आपको लुक दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप दोस्तों माइक्रो केबल के साथ इसको चार्ज कर सकते हैं, जो कि इसके साथ ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एक शॉर्ट सी माइक्रो केबल है दोस्तों, साथ ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों 6 वेलक्रोज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के वेलक्रोज होते हैं, तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर साथ ही आपको मिलने वाले हैं चार रबर, जो कि दोस्तों आप इनको फिक्स कर पाएंगे इनकेस अगर एक हो जाते हैं, तो उसी लिए आपको एडिशनल दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप चारों को एक साथ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसको स्टक करना होगा, और स्टक करते हुए आप दोस्तों बैंड करते हुए अगर आप मिरर पर लगा रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनकेस दोस्तों आप कहीं नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर करके आ सकते हैं, वेलक्रो के साथ इसको फिक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3mm जो टेप है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसको मिड में फिट करना होगा या फिर नीचे फिट कर दीजिए। मैं यहाँ पर दो लगाने वाला हूँ ताकि सिक्योर हमें अच्छा मिल सके। यहाँ पर जो दोस्तों प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो वाकई काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो इसका जो ग्लू है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा स्टक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चीप सा है, काफ़ी अच्छा इसका ग्लू है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कवर नहीं करना है, वो आपको कवर नहीं करना है इसका चार्जिंग पोर्ट। तो एज यू कैन सी हमने यहाँ पर इसको पीछे की तरफ फिक्स कर दिया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स हुआ है। साथ ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों एक मैनुअल, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप इसको देख नहीं पाएंगे, एक चाइनीज़ के अंदर है दोस्तों, एक यहाँ पर आपको मिलने वाला है इंग्लिश के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। इसका मैं एक आपको फोटो दिखा दूंगा, उसके अंदर आप क्लियरली पढ़ पाएंगे। सो यहाँ पर मैं इसका कोई रिव्यू करने नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आप इजीली दोस्तों इस चीज़ को इवेलुएट कर पाएंगे कि आपको प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर बात करें इसकी चार्जिंग की, तो आपको दोस्तों 12 मिनट्स की इसको चार्जिंग चाहिए। कितनी देर चलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर 5 आवर्स चलेगा। जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको यही बता देता हूँ। प्रोडक्ट का जो वेट है 6 ग्राम के अप्रोक्स यहाँ पर इसका वेट होने वाला है। प्रोडक्ट का जो दोस्तों बात करें यहाँ पर ये वाटर प्रूफ है या नहीं, तो दोस्तों नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, मैं आपको बता दूँ। बट हाँ, ये स्प्लीच प्रूफ है, यानी कि अगर इसके ऊपर बारिश वगैरह का पानी आता है तो डायरेक्टली अगर इसके ऊपर गिरता है तो दोस्तों इतना कोई दिक्कत नहीं, बट अगर कंटिन्यूस बारिश का पानी आएगा तो डेफिनेटली डैमेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप पीछे की तरफ देख सकते हैं हल्का सा एक एजिंग ओपन है। तो मैं आपको क्लोजअप में दिखा दूंगा दोस्तों फोटो के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की सी ओपनिंग है पीछे, उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, वाटर इंसर्शन हो जाएगा। साथ ही आगे की तरफ आप देख सकते हैं, आगे की तरफ से दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से सिक्योर्ड है। तो यहाँ पर मैं कोई दोस्तों वॉयस रिव्यू नहीं करना चाहता, मैं फेयर आपको इनफ बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस होने वाली है दोस्तों, वो आपको मिलने वाला है सिर्फ 190 के अंदर, तो प्राइस इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप, अपने साइकिल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी बाइक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट क्यों लाइट बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रॉब है। चलिए मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। 2 सेकंड तक आप उसको प्रेस करके रखना होगा। मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, एज यू कैन सी यहाँ पर इसने स्टॉप करना स्टार्ट कर दिया है। आप और कलर ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको तीन मोड्स मिलेंगे, जैसे व्हाइट के अंदर आपको तीन मोड मिलते हैं, आपने देखा, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड होने वाला है। अब इसके मोड्स आप देख पाएंगे ये कंटिन्यूस है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप अलग अलग कलर ऑप्शंस को ले सकते हैं, ग्रीन एंड ऑल, तो यहाँ पर आप एवरी कलर के अंदर जा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर जो इसका मेन पर्पज है या फिर मेन मोटिव है दोस्तों, वो है इसका फ्लिकरिंग। तो ये फ्लिकरिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये काफ़ी अटेंशन ग्रैपिंग है। तो मैं कभी आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि दोस्तों आप इसको सीधा फ्रंट की तरफ लगाएं जहां पर किसी आंखों के अंदर ये गिरे, क्योंकि दोस्तों काफी शार्प है। यहां पर बात करें दोस्तों इसको कैसे चार्ज करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको जस्ट करना है आपकी जो केबल है उसको लेना है। क्वालिटी बहुत ज्यादा कोई अच्छी नहीं, बट ठीक है दोस्तों, इसके लिए ठीक है कि आप इसको जस्ट चार्ज करना है, आपको करना कुछ नहीं। इस तरीके से आपको इसको स्टक करवा देना, बंद करने के लिए आपको इसको कुछ इस तरीके से 2 सेकंड तक दबा के रखना है। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ज कैसे करना है। तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे इसको केबल के अंदर, तो इस तरीके से यहाँ पर चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पर रेड कलर की लाइट ऑन हो चुकी है, सो इसका मतलब है दोस्तों कि अभी ये चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर 12 मिनट्स तक आपको चार्ज करना होगा। देन दोस्तों इसके अंदर जो बैटरी वो 90mAh की है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना आपका बैटरी चलेगी, क्योंकि छोटा सा लाइट है और 90mAh इनफ है। जो आपके बर्ड्स के अंदर मिलता है उतना ही आपको छोटा सा बैटरी मिलता है। तो आप देख सकते हैं आपके फोन्स के अंदर जो आपको एमएच मिलने वाला होता है वो 4000-5000 के अप्रोक्स होता है। सो यहाँ पर जो कंपनी क्लेम करती है दोस्तों वो 5 आवर का क्लेम करती है, तब जब आप इसको स्ट्रोब में यूज करते हैं। अगर आप कंटिन्यूस यूज करेंगे तो माइट भी शायद और कम इसका जो बैटरी बैकअप है वो हो जाए। सो चलिए आपको फिक्स कैसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिमेनिंग जो वेलक्रोज है इनको आप अपनी दोस्तों बाइक के ऊपर कहीं भी फिट कर दीजिए। उसके बाद आपको करना है क्या, अटैच एंड डी अटैच कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, तो आप ये भी दोस्तों कर सकते हैं।
वो आपके लिए ईजी होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरफ तो दोस्तों ये फिक्स होने वाला वेलक्रो है और एक तरफ यहाँ पर एक क्रशिंग जो दोस्तों आपका वेलक्रो है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चिपक जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से चिपक जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं दोस्तों आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूँ अपनी बाइक पे। मैं आपको स्लाइटली नाइट के अंदर भी आपको शूज दिखाऊंगा कि आप कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते। साथ ही एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, आप यहाँ पर अगर V4 के अंदर या फिर V3 के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो आगे के हेडलाइट के नीचे की तरफ आप इसको यूज़ किए, ताकि दोस्तों यहाँ पर आई अपीलिंग भी लगेगा और आई इसके अंदर चुभेगा नहीं दोस्तों, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों, अगर आप प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर PJX से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाइए इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर इनके नंबर भी देख सकते हैं। साथ ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे तो भी आपको वहाँ पर नीचे डिटेल्स मिलने वाली है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट अपने बाइक के पास चलते हैं, आइए। सो चलिए दोस्तों, ये होने वाली है हमारी ब्लू हॉर्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कहाँ आप लगा सकते हैं। दोस्तों आप एक लगा सकते हैं इसको इसके अंदर की तरफ, आगे की तरफ जो नोज ग्रिल लगा रखी है, दरअसल मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। अदरवाइज दोस्तों आप इसको अंदर की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर आपका काफी अच्छा लुक करने वाली है। यू कैन सी कि यहाँ पर किस तरीके से लुक करेगी। अंदर की तरफ आप लगाइए दोस्तों तो यहाँ पर जो भी ग्रिल करेगी नीचे की तरफ से, तो काफी अच्छा लुक देगी। साथ ही आप दोस्तों इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। साथ ही दोस्तों आप इसको कुछ इस तरीके से भी लगा पाएंगे, तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से काफी अच्छा लुक करेगी। साथ ही अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पर आप माउंट करें तो आप दोस्तों इस रबड़ की हेल्प से इसको लगा सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको लगा पाएंगे। इट्स अ इजी थिंग दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी राउंड चीज़ें हैं तो आप वहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से फिक्स कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि किधर आप इसका डायरेक्शन रख पाएंगे। इसी तरीके से आप दोस्तों इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं और चीज़ों पर लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे ये लुक करने वाली है। सो एक चीज़ ये है कि दोस्तों आप इसको डाउनवर्ड्स रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लुक करने वाली है। तो डाउनवर्ड्स में क्या होगा दोस्तों, सीधा आंखों में नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। सो देख सकते हैं हमने यहाँ पर वेलक्रो को फिक्स कर दिया। आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हैं एंड गुड टू गो। आप दोस्तों जब चाहें इसको यहाँ पर रिमूव करके लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, जब चाहें आप इसको फिक्स करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा लुक करने वाला है। तो यही चीज़ थी दोस्तों जो मुझे आपको दिखानी थी। तो हो सका तो मैं आपको यहाँ पर एक नाइट शूट भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देख पाएं। दोस्तों लाइट काफ़ी ब्राइट और काफ़ी शार्प है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिन के अंदर दोस्तों इतना पता नहीं चलेगा, बट नाइट के अंदर आपको काफ़ी अच्छा से इसको आप जज कर पाएंगे कि एक ऐसा स्ट्रोब लाइट है। सो एज यू कैन सी दोस्तों, नाइट का टाइम हो चुका है। तो चलिए मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे अगर आप प्लेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रोब लाइट लुक करेगी। दोनों मिरर्स की तरफ आप इसको लगा सकते हैं दोस्तों, आगे की तरफ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे लगा के दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि नीचे अगर यहाँ पर ये लगने वाली है तो किस तरीके से आगे की तरफ ये लुक करेगी जब हमारी बाइक दोस्तों रोड पे चलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे की तरफ कुछ इस तरीके से लाइट थ्रो होने वाली है। सो आप यहाँ पर पीछे की तरफ भी देख सकते हैं दोस्तों कि पीछे की तरफ अगर ये लुक करेगी तो किस तरीके से लुक करने वाली है। तो यहाँ पर ये टायर के ऊपर काफ़ी अच्छी अपीलिंग करती है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा दोस्तों इसको ना डाउनवर्ड और आप टायर की साइड इसको फिक्स करें तो उससे यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी लुक एनहेंस होगा दोस्तों और आइस के अंदर इतना चुभेगा भी नहीं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों इसको आप कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लेसमेंट्स तो काफ़ी सारे हैं, आप कहीं भी लगाइए दोस्तों, लाइट्स तो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। पर्सनली अगर मुझे दोस्तों अगर मुझे लगाना हो तो यहाँ पर मैं वेलक्रो के साथ इसको फिट करके और यहाँ पर मैं माउंट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से काफी अच्छा लाइट थ्रू आएगा इसका और काफी अच्छा अपीलिंग भी होगा। सो ये थी दोस्तों इंस्टॉलेशन। आई होप सो आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और किसी टॉपिक पे देखना चाहते हैं कोई भी अनबॉक्सिंग दोस्तों या फिर कोई भी इंस्टॉलेशन, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो आप देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, आप जाइए और हमें यहाँ पर फॉलो करिए। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसी अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।